गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स टॉक अबाउट योर टुडेज होमवर्क। देखिए, हमने आपकी 5 पोइम्स कंप्लीट हो गई, हमारी फर्स्ट बुक के 5 चैप्टर हो गए हैं। आज हम आपकी सेकंड जो बुक है, एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर, यानी उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, द टीनी टीचर, इसके आज हम केवल वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग, वर्ड इधर हैं, इंग्लिश में मीनिंग यहाँ पे है, और इन हिंदी इट मीन्स ये सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट है, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड भी आपको याद हो जाएगा और आपके वर्ड पावर में इंक्रीमेंट होगा। तो पहला वर्ड है इंटेलिजेंट, जिसको आपको मीनिंग पता है, इसका सिनोनिम्स बनेगा वाइज, ये याद रखें आप, और इसका हिंदी मीनिंग बनेगा बुद्धिमान। सेकेंड वर्ड है क्लोजली, नियर, फ्रॉम नियर, बिल्कुल नज़दीक से, निकट से, ठीक है। नेक्स्ट है फीलर्स, महसूस करने वाले, ऑर्गन इन सर्टेन इंसेक्ट फॉर टचिंग, श्रृंग काय स्पर्श कर, क्रिएचर। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएचर, लिविंग बींग, जीवित जो प्राणी है, क्रिएचर प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं, जीव। पैसेजेस, वेज, मार्ग, गलियारे के लिए प्रयोग किया गया शब्द है यहाँ पे। गेट रिड ऑफ, टू रिमूव ऑफ, हटाना, मुक्त करना, जैसे प्रेज भी चलता है, आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ यू, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, हटाना, रिमूव। hatch, टू ब्रिंग यंग वंस फ्रॉम एग्स, ये एक वर्ब है, प्रोसेस भी है, प्रक्रिया भी है, अंडा सेना। नेक्स्ट वर्ड है लॉयलिटी, वफादारी, फेथफुलनेस, वफादारी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं और राइट करने हैं, इनको आप याद करें, इन फ्यूचर आपके काम आएंगे, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राइट करने में आपको हेल्प रहेगी। ओके, थैंक यू।